तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं. So welcome to another video of Insane Football Talks, your home of football reviews, tactics, transfer talks और chill zone आपका. और अगर आप इस वीडियो पर नए हो, इस चैनल पर नए हो, do consider subscribing. January end तक 500 subscribers का aim रखा है, so उसे पाने में मदद कीजिए. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैंने प्रॉमिस किया था कुटीनो के ऊपर वीडियो आएगी सेपरेटली. अब वो क्या आएगी, क्यों आएगी, कैसे आएगी आपको नहीं पता था, तो ये है वो वीडियो, डिटेल्ड डिस्कशन ऑन कुटीनो. अगर कुटीनो रहता भी बार्सिलोना में तो क्यों वो सक्सेस नहीं कर पाता, चलिए जानते हैं. तो अगर आप कुटीनो के बारे में बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में पहले क्या आता है? अ गुड पासर ऑफ द बॉल, अ गुड ड्रिबलर ऑफ द बॉल, अ गुड शूटर ऑफ द बॉल. ठीक है, बहुत ब्रिलियंट लिवरपूल में जैसे कि हमने देखा था उसे, और आपको लगा होगा बार्सिलोना के लिए परफेक्ट है ये, परफेक्ट फिट है. मतलब इसके पास पासिंग एबिलिटी है, ड्रिबलिंग एबिलिटी है, शूटिंग एबिलिटी है, मतलब बार्सिलोना के लिए तो एक है, टेलर मेड है ना. बट ऐसा हुआ नहीं. अब ये क्यों नहीं हुआ, मतलब बार्सिलोना के लिए परफेक्ट फिट क्यों नहीं है? वाई? बिकॉज उसकी पोजीशन हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती. उसकी पोजीशन मतलब उसकी पोजीशन पर जहाँ पर वो खेलता था वो हमारे लिए, हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती. अब वो क्यों? अब कुटीनो कहाँ पर थ्राइव करता है? कुटीनो थ्राइव करता है मिडफील्डर्स, अपोजिशन के मिडफील्डर्स और डिफेंस के बीच में. अब आपको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कौन ऑक्यूपाई करता था स्पेसेस. इट वॉज लियोनेल मेसी ऑफ कोर्स. तो यहाँ पर अगर लियोनेल मेसी आ गया तो आपको क्या लगता है कि इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, कुटीनो या लियोनेल मेसी का? ऑफ कोर्स लियोनेल मेसी. तो सब मतलब लियोनेल मेसी के अराउंड चलता था. और कुटीनो जैसे कि आपको पता है वैसा प्लेयर नहीं है. ठीक है, एक विंगर, प्योर विंगर नहीं है वो, फंक्शन नहीं कर सकता प्योर विंगर की तरह, वो होल्ड नहीं कर सकता विंगर की तरह. वो एक इन्वर्टेड विंगर है जो अंदर आकर खेल सके मेसी के जैसा. मेसी एक राइट विंगर था, वो अंदर आकर खेलता था, पूरा सेंटर उसने ऑक्यूपाई करता था. वैसे ही कुटीनो भी लेफ्ट से आकर पूरा सेंटर ऑक्यूपाई करता था, बट उसे वो मूवमेंट चाहिए रहती थी उसके आजू बाजू में जैसे मेसी के पास होती थी, जो बार्सिलोना में उसको नहीं मिला क्योंकि बार्सिलोना में मेसी था, सिंपल एज दैट. और इसकी वजह से उसे नहीं मिला. बट अगर हम बात करें, अब जावी आया है बार्सिलोना, तो जावी को क्या चाहिए अपनी टीम में? अब जावी को मेनली क्या चाहिए उसकी सिस्टम थ्राइव होने के लिए? विंगर्स चाहिए, और विंगर्स ऐसे वैसे नहीं, प्योर विंगर्स जो अंदर कटिन ना कर सके. डेमिर की बात देख लो, अगर डेमिर कटिन किया उसको बेच दिया उसने सीधा, उसको एक ऐसा विंगर चाहिए जो अपनी विथ होल्ड कर रख सके. और उसको डेम्बेले में दिखा और आपदे में दिखा, तो वो खिला रहा है उसे, वो प्योर विंगर्स है वो दोनों. सो इसीलिए उसने खिलाया. उसे क्या चाहिए एक मिडफील्डर से क्या चाहिए? कंट्रोल ऑफ द गेम हो और अप्लाई करे प्रेशर को, मच प्रेशर अप्लाई करे. ये कुटीनो के साथ हो रहा था? नहीं हो रहा था. कुटीनो जैसे कि आपको पता है इज नोन टू बी अ गुड ड्रिबलर. अगर मैं आपसे ये कहूँ इज अ सर्कमस्टेंशियल ड्रिबलर, सो व्हाट विल यू थिंक? बिकॉज अगर आप कुटीनो को एक ऐसे सर्कमस्टेंस में फंसा दो वेर मतलब डिफेंडर के पास बहुत से ऑप्शंस है, मतलब अगर यहाँ से प्लेयर रन निकाल रहा है, कुटीनो के पास बॉल है, ही हैज सेवरल ऑप्शंस टू लुक आउट. तो मतलब कुटीनो तब ड्रिबल कर सकता है, कुटीनो कैन ड्रिबल देन, एंड इफ यू कैच हिम वन ऑन वन तो आप उसे रोक सकते हो. यू कैन सोनली फोकस ऑन हिम और आप उसे रोक सकते हो, बिकॉज कुटीनो एक ऐसे एनवायरमेंट में थ्राइव करता है जहां पर उसके पास बहुत से ऑप्शन, अगर बहुत से ऑप्शन हुए तो डिफेंडर्स कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं, तो कुटीनो उसका फायदा उठाता है. सो ऐसे ही कंटिन्यू ऐसे ड्रिबल करता है. तो ये है, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज फैक्ट. सो है तो है, क्या कर सकते हैं, वैसे मैंने बहुत गेंद देख के बोला है. सो उसके पास वो पेस भी नहीं है जिस पर वो बर्स्ट कर मतलब डिफेंडर से आगे जा सके. सो ही इजंट अ प्योर विंगर, राइट? ही इजंट अ प्योर विंगर. और कुटीनियोस के प्रेशर देखेंगे अगर हम मतलब पर 90 मिनट्स में तो 11 थे, और वहीं पर गावी के प्रेशर्स पर मिनट 22 थे. तो आप देख सकते हो क्लियर डिफरेंस व्हाई जावी चोज गावी इंस्टेड ऑफ कुटीनियो. एंड द इंटेंसिटी ऑफ द गेम इज इंट गुड इधर, मतलब गेम में इंटेंसिटी उसकी इतनी भी अच्छी नहीं थी. कुटीनियो इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, आई एम नॉट डाउटिंग अबाउट हिम, आई एम नॉट डाउटिंग हिज क्वालिटी. कुटीनियो इज अ फैंटास्टिक प्लेयर फॉर द राइट टीम, जैसे कि हमने देखा बायर्न में, लिवरपूल में, फॉर द राइट टीम, फॉर द राइट क्लब ही विल बी अ सॉलिड इन्वेस्टमेंट, और बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है. बायर्न में जैसे हमने देखा ही वॉज ग्रेट. बायर्न सिर्फ उसका क्लॉज एग्जीक्यूट नहीं किया, नहीं तो बायर्न में ही खेल लेता था. सो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर एस्टन विला, और शायद से प्रीमियर लीग में ही रह जाए वो. सो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, विश काइल पार्सा एंड